والله ما طلعت شمس ولا غربت. आज का इंसान दुनिया को दिल में बसाए हुए है और हर वक्त दुनिया कमाने में अपनी मेहनत लगाए हुए है। वो समझता है कि अगर मेरे पास माल ज्यादा होगा सुकून मिल जाएगा, अगर मेरे पास खूबसूरत बीवी होगी सुकून मिल जाएगा, अगर मेरे पास बड़ी जमीनें होंगी बागात होंगे सुकून मिल जाएगा। हाँ, इनसे जिस्मानी सुकून तो मिल सकता है, रूहानी सुकून नहीं मिल सकता। इसीलिए जिनके पास माल पैसा बहुत ज्यादा होता है उनके दिल उतने ज्यादा परेशान होते हैं। गरीब आदमी तो एक दफा मरता है ना, ये अमीर लोग बेचारे दिन में कितनी दफा जीते हैं और कितनी दफा मरते हैं, इनका हाल अंदर से बहुत बुरा होता है। जिस्मानी सुकून और चीज है, रूहानी और कल्बी सुकून और चीज है। अगर कल्बी सुकून हम ढूंढते फिरेंगे दुनिया में तो वो दुनिया में नहीं मिलेगा। कुरान मजीद ने फैसला कर दिया, जान लो अल्लाह की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबस्ता है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से सुकून दिल तो मिलता है खुदा को याद करने से। तो अल्लाह ताला को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। इसलिए फरमाया, ए मेरे बंदो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे माजरत के साथ याद करना मैं परवरदिगार तुम्हें मगफरत के साथ याद करूंगा, तुम मुझे इताअत के साथ याद करोगे तो मैं परवरदिगार तुम्हें इनायत के साथ याद करूंगा। तो ये अल्लाह ताला के साथ बंदे का मामला है, जितना हम अल्लाह को याद करेंगे उतना अल्लाह हम पर मेहरबानियां फरमाएंगे। इसलिए शैतान जिक्र के रास्ते में खूब रोड़े अटकाता है,